विधानसभा गायघाट। बिहार का गायघाट सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा के तहत आता है। 1967 में गायघाट सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट एनपी सिन्हा ने चुनाव में जीत हासिल कर लिया था। 1969 और 1972 के विधानसभा चुनाव में गायघाट सीट से नीतीश्वर प्रसाद सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत हासिल कर लिया था। 1977 के चुनाव में गायघाट सीट से जनता पार्टी के कैंडिडेट विनोदानंद सिंह ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1980 में यहां से बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र प्रसाद सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1985 के विधानसभा चुनाव में गायघाट सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1990 के चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव ने जीत हासिल कर लिया था। 1995 के चुनाव में महेश्वर प्रसाद यादव ने जनता की टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 2000 के चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 2005 के चुनाव में महेश्वर प्रसाद यादव ने एक बार फिर आरजेडी की टिकट पर गायघाट सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2010 में गायघाट सीट से बीजेपी की कैंडिडेट वीणा देवी ने जीत हासिल किया था, तो 2015 के चुनाव में गायघाट सीट से आरजेडी के कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में गायघाट सीट से आरजेडी के कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। महेश्वर प्रसाद यादव ने चुनाव में 67,313 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी की कैंडिडेट वीणा देवी को 63,812 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से महेश्वर प्रसाद यादव ने वीणा देवी को 3,501 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह 7,826 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में गायघाट सीट से बीजेपी कैंडिडेट वीणा देवी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। वीणा देवी ने चुनाव में 56,386 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट महेश्वर प्रसाद यादव ने 40,399 वोट हासिल किया था। इस तरह से वीणा देवी ने महेश्वर प्रसाद यादव को 15,987 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट आरती देवी ने 6,742 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में गायघाट सीट से आरजेडी की टिकट पर महेश्वर प्रसाद यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। महेश्वर प्रसाद यादव ने चुनाव में 34,081 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट अशोक कुमार सिंह को 30,768 वोट मिला था। इस तरह से महेश्वर प्रसाद यादव ने अशोक कुमार सिंह को 3,313 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट वकील सहनी ने 12,967 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा, लेकिन जीत तो उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।